नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थाना ससिंडी के अंतर्गत किसान नगर में दिव्यांशु हॉस्पिटल पर सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा का जल्द चलेगा हंटर। सीएमओ साहब एक्शन के मोड में बिना मानक और बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से चल रहा दिव्यांशु हॉस्पिटल। 3000 की नौकरी करने वाले कंपाउंडर को बना दिया डॉक्टर। दवा के नाम पर बेच रहे जहर। मैनेजर अपने आप को बताता है बहुत ही चौहान ढाबा का रिश्तेदार। वारिस नाम का नादान लड़का चलाता है हॉस्पिटल और मौके से ही हॉस्पिटल संचालक गुड़िया चौहान हॉस्पिटल से हुई फरार और मीडिया के आने की सूचना पाकर वारिस नाम की लड़की ने जब संचालिका को फ़ोन किया कि मैडम आइए पत्रकार आए हैं, तो मैडम ने 5 मिनट में आने का हवाला तो दिया लेकिन नहीं आए और चंद मिनट बाद कम उम्र के मैनेजर को भेजा, जाओ देखो मामला क्या है। मैनेजर धीरेंद्र सिंह बिना लाइसेंस के बल पर खुद बोल रहा है कि पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड सब कुछ धड़ल्ले से चलाने की बात की है और ये भी स्वीकार कर रहा है चाचा की बिल्डिंग में मैं भतीजा अवैध रूप से हॉस्पिटल को चला रहा हूँ। बिल्डिंग विक्रम चंदेल की बताई जा रही है और वीडियो में साफ तौर पर हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर गुड़िया चौहान को खुद वहाँ का मैनेजर धीरेंद्र पास में ही खुला दीपू चौहान ढाबा का रिश्तेदार बता रहा है और ये भी बता रहा है कि संचालिका डॉक्टर गुड़िया चौहान दीपू चौहान ढाबा वाले की भाभी हैं। इंडियन प्राइम न्यूज़ से ब्यूरो रिपोर्ट।